अगर गोरिल्ला और शेर की जंग छिड़ जाए तो इन दोनों में से किसकी जीत होगी? इससे पहले ये जान लीजिए, एक दिन अचानक से तेंदुआ का मुकाबला गोरिल्ला से हो जाता है और जैसे ही तेंदुआ हमला करता है गोरिल्ला पर, तो गोरिल्ला अपने घूंसे से तेंदुए की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देता है और तेंदुए को मार डालता है। अब बात करते हैं शेर के बारे में। वैसे दोस्तों, गोरिल्ला और शेर का मुकाबला आमतौर पर कभी नहीं हो सकता क्योंकि इनके इलाके अलग अलग हैं। गोरिल्ला पहाड़ी इलाके में रहना पसंद करता है और वही शेर रेगिस्तानी इलाके में रहना पसंद करता है। अगर अचानक से कुदरती दोनों का मुकाबला हो जाए तो दोनों में से किसकी जीत होगी? सबसे पहले हमें इन दोनों की ताकत के बारे में जान लेना चाहिए। शेर का वजन लगभग 170 से 220 किलोग्राम तक का होता है और लंबाई 6 से 7 फीट होती है। अगर एक बार अपने शिकार को पकड़ लेता है तो उसको बचना इम्पॉसिबल है। अगर गोरिल्ला की बात करें तो उसका वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। बॉडी बिल्डर की तरह दिखने वाले गोरिल्ला में 3 आदमियों की ताकत के बराबर होती है। गोरिल्ला 1000 किलोग्राम तक का वजन उठा सकता है। अगर ये अपनी पर आ जाए तो एक 4-व्हीलर कार को अपने बल पर उठाकर फेंक सकता है। अगर शेर की बात करें तो 200 किलोग्राम के शेर को 20 फीट तक फेंक सकता है। दोस्तों, अब आप खुद ही बताइए कमेंट करके इनमें से किसकी जीत हो सकती है।